परोशे फ्लावर थाल पोश। इसको बनाने के लिए हमने दो कलर्स का इस्तेमाल किया है, लेमन कलर और रेड। इन दोनों कलर्स के कम्बिनेशन से ये खूबसूरत थाल पोश हमने तैयार किया है। इसको बनाना बहुत आसान है। आज हम आपको इसका ट्यूटोरियल दे रहे हैं। सेंटर में हमने रेड कलर का यूज़ किया है। फ्लावर की पेटल्स हमने लेमन कलर से बनाई है। अगर आप स्टिच काउंट का ख्याल रखेंगे और हमारे ट्यूटोरियल को फॉलो करेंगे तो आप ये खूबसूरत ताल पोश अपने घर पर इजीली बना सकते हैं। हम आपको इसकी मेकिंग दिखाते हैं। इसको बनाने के लिए तार को इस तरह उंगली से लपेट लें और मैजिकल नॉट बना लें। के बाद हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया और अब हम टू चेन्स बनाएंगे, चेन वन एंड चेन टू। अब हमने मैजिकल नॉट में डबल क्रोशे बनाया। हमने मैजिकल नॉट में डबल क्रोशे बनाने हैं। तार को खींचकर उसके सर्कल को छोटा कर लेंगे और मैजिकल नॉट में हम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। अब हम तमाम सर्कल को फिल कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल हमने 12 डबल क्रोशे बनाए हैं। फर्स्ट जो स्टिच हमने लिया था वो सिंगल क्रोशे और टू चेन्स, और उसके साथ हमने 11 डबल क्रोशे और बनाए। टोटल काउंट ये 12 बनता है। अब हम 1 2 1 2 3 सबसे ऊपर वाली जो सेकंड चेन थी इसमें हम स्लिप स्टिच बना देंगे और हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। थाल पोश का सेंटर हमने बना लिया है। अब हमने सेकंड राउंड स्टार्ट किया है, 3 चेन बना लेंगे और इस स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे का लूप बनाएंगे। ये देखिए हमने 2 डबल क्रोशे का लूप बना लिया। अब हम तमाम तारों से क्रोशे को गुजार लेंगे और ये हमारा पफ बन गया, 1 चेन एंड 2। 2 चेन्स बना लेंगे, नेक्स्ट स्टिच पर जाएंगे। अब हमने 3 डबल क्रोशे का पफ बनाना है, 1 2 एंड 3। इस तरह से वह स्टेप 1 और आखिर में दोनों तारों से भी क्रोशे तार को गुजार लेंगे और हमारा पफ कंप्लीट हो जाएगा, 2 चेन्स और थर्ड स्टिच में हमने अब पफ बनाना है।
1, 2 एंड 3, ये इस तरह से हम पफ बनाते जाएंगे। हर स्टिच में टोटल हमारे पास 12 पफ होने चाहिए एट द एंड। वन टू थ्री एंड फोर। अब हर स्टिच में हमने एक एक पफ बनाना है और अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। हमने राउंड कंप्लीट कर लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 पफ हमने बना लिए हैं। 1, 2, 3। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बना लेंगे और अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब हम तार को काट लेंगे और इसे बैक साइड पर ले जाएंगे। तार को अच्छी तरह सिक्योर करके उसे एक्स्ट्रा तार को हम काट लेंगे। तार को हमने क्रोशे की मदद से अच्छी तरह से बंद कर लिया है। यह हमारा सेंटर तैयार हो गया है। अब हम अपना फ्लावर स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने येलो लेमन कलर यूज़ किया है। तार को लगा लेंगे और 3 चेन्स बना लेंगे। 1, 2, 3। 3 चेन्स बनाकर डबल क्रोशे बना लेंगे। 1 डबल क्रोशे, ये सेकंड डबल क्रोशे, वन टू थ्री, 3 डबल क्रोशे हमने बना लिए हैं और 1 चेन। नेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे और यहाँ अब हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1, 2 एंड 3। 1 चेन और नेक्स्ट स्टेज में 3 डबल क्रोशे। 1, 2 एंड 3। 1 चेन एंड 3 डबल क्रोशे। तमाम राउंड को हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और इन बिटवीन 1 चेन बनाएंगे। यह हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब चेन 1 और स्लिप स्टिच 1, 2, 3। थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच बना दिया। वन टू थ्री, 3 चेन्स बनाएंगे और सेकंड स्टिच में डबल क्रोशे बना लेंगे। थर्ड स्टिच के ऊपर 1 डबल क्रोशे, 1, 2 डबल क्रोशे। लास्ट स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे बना लिए हैं। 1 चेन और डबल क्रोशे के बिल्कुल टॉप पे अपने डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 सेकंड डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे और थर्ड डबल क्रोशे के टॉप पर हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 एंड 2। इस तरह हर बार आपने थर्ड डबल क्रोशे के ऊपर या लास्ट स्टिच के ऊपर 1 डबल क्रोशे का इंक्रीज करना है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये लास्ट स्टिच है, थर्ड स्टिच है, इसमें हमने 2 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब ये देखिए, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशे बन गए हैं। इस तरह डबल क्रोशे का एक इंक्रीज हमने थर्ड स्टिच में किया है। 1 चेन एंड स्लिप स्टिच 1, 2, 3। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बना लेंगे। वन टू
थ्री चेन्स, वन सेकेंड डबल क्रोशे के टॉप पर डबल क्रोशे बना लेंगे, थर्ड डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, फोर्थ डबल क्रोशे के ऊपर वन डबल क्रोशे एंड टू डबल क्रोशे। इस तरह फोर्थ स्टिच में हमने एक डबल क्रोशे का इंक्रीज किया है, वन चेन और डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बना लिया, सेकंड डबल क्रोशे के ऊपर भी डबल क्रोशे बना लिया, थर्ड डबल क्रोशे एंड फोर्थ डबल क्रोशे के ऊपर वन डबल क्रोशे एंड टू डबल क्रोशे। वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव। इस तरह से ये लीव्स की शक्ल में इसको हम बढ़ाते जाएंगे। टोटल हमने नौ राउंड्स इसी पैटर्न पर बना लेने हैं। हर बार लास्ट स्टिच में हमने एक डबल क्रोशे का इंक्रीज करना है। येलो कलर में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। अब हम लास्ट स्टिच पर आ गए हैं, वन चेन एंड वन टू थ्री, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच। अब हम सेकंड स्लिप बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इन नाइन डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनेंगे। फर्स्ट को हमने स्किप किया, वन टू थ्री, थ्री चेन बनाए, वन वन डबल क्रोशे, टू, फर्स्ट थ्री चेन हमारा वन डबल क्रोशे काउंट होगा और इसके बाद हम टोटल एट डबल क्रोशे बनाने हैं। थ्री चेन मिलाकर हमारे टोटल एट डबल क्रोशे हो जाएंगे। ये हमने स्किप किया, साइड्स पर एक ही वन वन स्किप किया, उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, दोनों साइड्स पर एक एक हमने स्किप किया, वन चेन बनाए, इसको हम स्किप करेंगे, इसको स्किप किया और उसके बाद सेंटर में आके वन डबल क्रोशे बनाया, वन टू, टू चेन बनाए और इसी में हमने एक और डबल क्रोशे बना दिया, वन चेन। अब हम साइड पर वन स्किप करेंगे, ये हम स्किप करेंगे और सेकंड में डबल क्रोशे बना लेंगे। इस तरह से अब हमने इसको फ्लावर की पेटल्स की शेप देनी है और इसके लिए हम साइड्स पर वन वन स्किप करेंगे। अब अगेन हमने नाइन डबल क्रोशे बनाने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन डबल क्रोशे बना लिए। वन चेन, इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट बॉक्स में वन डबल क्रोशे, टू चेन्स और वन डबल क्रोशे, वन चेन, फर्स्ट स्किप और सेकंड में डबल क्रोशे। इसके बाद अगेन नाइन डबल क्रोशे बनाने हैं, ये हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन।
इस तरह से तमाम राउंड को हम इसी पैटर्न पर बना लेंगे। हमने राउंड कंप्लीट कर दिया है। वन चेन बना लेंगे, 1 2 3, यहाँ हम स्लिप स्टिच बना लेंगे और हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब एक और स्लिप स्टिच लेंगे, क्योंकि हमने साइड पर 1 डबल क्रोशे को स्किप करना होता है। ये इसके बाद सेकंड डबल क्रोशे है, जिसके ऊपर अब हमने बुनाई करनी है। 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3, और डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। हमने 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर साइड्स पर 1 1 डबल क्रोशे स्किप करेंगे, 1 चेन एंड 2 2 चेन्स, इसको स्किप करना है, इसको भी स्किप करना है। और यहाँ पे सेंटर पे आके अब हमने डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 3 4, 1 चेन एंड 2 2 चेन्स, 1 स्किप किया और नेक्स्ट में डबल क्रोशे। सेंटर पे हमने 4 डबल क्रोशे बनाए और अब यहाँ पे आके हमने 7 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 2 चेन्स, 1 1 स्किप, और उसके बाद हम सेंटर पर आके 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4, 2 चेन्स, 1 एंड 2। फर्स्ट को स्किप किया और सेकंड में डबल क्रोशे। तमाम राउंड को इसी पैटर्न पर रिपीट करते हुए आपने बना लेना है। अब हम एंड पर आ गए हैं, 4 डबल क्रोशे बना लिए हैं हमने। तमाम राउंड में उसी पैटर्न को फॉलो किया है हमने, 2 चेन्स एंड 1 2 3, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच, और हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने एक स्लिप स्टिच और बनाया, 5 डबल क्रोशे को स्किप किया और इसके बाद 3 चेन्स एंड डबल क्रोशे। 3 चेन्स के बाद हमने 4 डबल क्रोशे और बनाने हैं, 1 2 3 एंड 4। वन चेन एंड 2 2 चेन्स, उसके ऊपर हमने डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे, 1 एंड 2। सेकेंड डबल क्रोशे के ऊपर 1 डबल क्रोशे बनेगा, 3rd डबल क्रोशे के ऊपर 1 एंड 2। फोर्थ डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे, 1 एंड 2। इस तरह इस राउंड में हमने 3 स्टिचेस इंक्रीज किए, ये
और इसके ऊपर दो और एल के ऊपर दो और यहाँ भी दो दो हमने बनाए। टोटल हमने 3 डबल क्रोशे इंक्रीज किए है, इस तरह हमारे पास यहाँ पे 7 डबल क्रोशे हो गए। 2 चेन्स बना ली, 1 स्किप किया और नेक्स्ट में के ऊपर डबल क्रोशे बना लेंगे। 5 डबल क्रोशे बनेंगे, 1, 2, 3, 4 and 5। 1 chain and 2 chains। अब इसके ऊपर अगेन उसी तरह से 3 डबल क्रोशे का इंक्रीज करना है। फर्स्ट स्टेज में हमने 2 डबल क्रोशे बना दिए, 1 and 2। सेकेंड स्टेज 1 डबल क्रोशे, थर्ड स्टेज में 2 डबल क्रोशे, 1, 2 और फोर्थ स्टेज में भी 2 डबल क्रोशे, 1 and 2। 2 चेन्स, 1 and 2। 1 स्किप और सेकेंड डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे और 5 डबल क्रोशे यहाँ बनाएंगे। रिपीट करेंगे इसको इसी तरह से। तमाम राउंड हमने इसी पैटर्न पर बना लिया है। अब एंड पर आके हमने स्लिप स्टिच बनाना है, 1, 2, 3। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच, अब एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे क्योंकि हमने 1 डबल क्रोशे को साइड्स पे स्किप करना है। 1, 2, 3, 3 चेन्स, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे एंड 2। 2 डबल क्रोशे बना लिए, ये 1, 2, 3। साइड्स पे 1, 1 स्किप किया, यानी इसको हमने नहीं बुनना है। 1 chain and 2 chains। अब यहाँ पे डबल क्रोशे के ऊपर साइड्स के फर्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। सेकेंड स्टिच के ऊपर 1 डबल क्रोशे, थर्ड स्टिच के ऊपर भी 1 डबल क्रोशे, और ये सेंटर है इसका, सेंटर पे और साइड्स पे हमने 2-2 डबल क्रोशे बनाने हैं। फोर्थ स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनेंगे, 1 and 2। फिफ्थ स्टिच के ऊपर 1 डबल क्रोशे, सिक्स के ऊपर 1 डबल क्रोशे और सेवन्थ स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनेंगे, 1, 2। ये फर्स्ट में 2 डबल क्रोशे, इसके बाद 1, 1, फिर 2 डबल क्रोशे, 1, 1 और एंड पे 2 डबल क्रोशे। इस तरह हमारे पास टोटल 10 डबल क्रोशे हो गए। अब 1, 2, 2 चेन्स, 1 फर्स्ट डबल क्रोशे को स्किप किया और सेकंड के ऊपर डबल क्रोशे बनाना है, 1, 2 and 3। 3 डबल क्रोशे बना लिए हमने, 1 chain 2 chains। अगेन डबल क्रोशे के ऊपर यहाँ पे 2, 1 and 2, 2 डबल क्रोशे, इसके ऊपर 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे और 4 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे। ये इसका सेंट्रल डबल क्रोशे है। फिफ्थ के ऊपर 1 डबल क्रोशे, सिक्स के ऊपर भी 1 डबल क्रोशे एंड 7 के ऊपर 2 डबल क्रोशे, 1 and 2। इस तरह से इस राउंड में हमने 3 डबल क्रोशे का इंक्रीज किया और अब हमारे पास 10 डबल क्रोशे हो जाएंगे।
देखिए हमारा अब लीफ की शक्ल में पैटर्न बनना शुरू हो गया है और बीच में अब ये हमारा फूल बन रहा है। देखिए फूल बन रहा है हमारा और फ्लावर के पेटल्स को अब हम पेटल्स की शेप में लेकर आ रहे हैं। हर बार वन डबल क्रोशे स्किप करने की वजह से अब ये खूबसूरत पेटल्स की शेप में आ रहा है, उसके बीच में खूबसूरत फूल बनना शुरू हो गया है। वन टू टू चेन्स एंड वन टू थ्री, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच। हमने सेकंड स्लिप लिया, सेकंड स्लिप स्टिच बनाया, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चेन बनाएंगे और डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। यहाँ टू साइड्स पे टू डबल क्रोशे बनते हैं, यानी वन डबल क्रोशे का इंक्रीज होगा। सेकंड के ऊपर वन डबल क्रोशे, थर्ड वन डबल क्रोशे, फोर्थ डबल क्रोशे के ऊपर वन डबल क्रोशे, फिफ्थ डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे बनेंगे, वन एंड टू। उसके बाद वन डबल क्रोशे, वन डबल क्रोशे, वन डबल क्रोशे, वन डबल क्रोशे और लास्ट स्टिच के ऊपर टू डबल क्रोशे। इस राउंड में भी हमने थ्री डबल क्रोशे का इंक्रीज किया है और अब हमारे पास 13 डबल क्रोशे बन गए हैं। इसके बाद हमने टू चेन्स बना ली, फर्स्ट को स्किप किया और नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशे बना दिया। थ्री चेन्स और डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू ये देखिए फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन। साइड्स पर हर बार हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे, ये राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी। इसके बाद बीच बीच में वन डबल क्रोशे का एक इंक्रीज और होता जाएगा। ये देखिए इस बिल्कुल सेंटर में हमने डबल क्रोशे का इंक्रीज किया है और उसके बाद हर स्टिच के ऊपर वन डबल क्रोशे बनाया है। ये लीफ की शक्ल में आ गया है। तमाम राउंड को इसी पैटर्न पर बना लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन, थर्टीन डबल क्रोशे। यहाँ पे इंक्रीज स्टिच हुआ है और यहाँ पर भी इंक्रीज किया है हमने और ये सेंटर में भी इंक्रीज किया है। इस तरह थ्री डबल क्रोशे का इंक्रीज किया है इस रो में हमने। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन। टू चेन बना लेंगे और वन टू थ्री थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बना लेंगे और हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब हम तार को काट लेंगे, उसको हम बैक साइड पे ले जाएंगे और ये देखिए हम तार को बैक साइड पर लेकर जा रहे हैं। उसको अच्छी तरह से सिक्योर करके एक्स्ट्रा तार को हम काट लेंगे। अब हम रेड कलर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल अपने पेटल के बिल्कुल ऊपर
हमने रेड कलर यूज़ किया है। वन डबल क्रोशे के ऊपर 1 2 3 थ्री चेन्स, और इसी स्टिच में हम डबल क्रोशे बना रहे हैं 1 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे। वन टू थ्री फोर, उसके बाद यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशे बना दिया, 1 2 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशे के ऊपर हमने डबल क्रोशे बनाना है, और इसी स्टिच में हमने टोटल 7 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7। सेवन डबल क्रोशे बना लिए, 1 2 3 4, यहाँ पे इस तरह से हमने 7 डबल क्रोशे बनाने हैं, और 4 डबल क्रोशे के ऊपर हमने 7 डबल क्रोशे बनाने हैं। अब 1 2 3, इसके बाद थर्ड में हमने सिंगल क्रोशे बनाना है, ये बिल्कुल इसका सेंट्रल पॉइंट है, 1 2 3, यहाँ ये बिल्कुल इसका सेंटर है, यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशे बना दिया। अब साइड से हम 1 2 3 4, यहाँ पे हम डबल क्रोशे बना रहे हैं, एंड हमें 7 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7। यहाँ पे आके हमने सिंगल क्रोशे बनाना है, देखिए हमारा खूबसूरत फूल हार्ट की शक्ल में आ रहा है। अब यहाँ पर 1 डबल क्रोशे के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 3 and 4। साइड के बॉक्स में 1 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4, फोर्थ में डबल क्रोशे बनाने हैं, और इसी सेम स्टिच में हमने 7 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3। थर्ड में सिंगल क्रोशे, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, 1 2 3 4, लेफ्ट साइड से 4 डबल क्रोशे काउंट किए, 1 2 3 4, और यहाँ पे अब उसी तरह हमने 7 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7, यहाँ पे सिंगल क्रोशे। इस तरह से इसी पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे, और तमाम राउंड को इसी पैटर्न पर बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 and 7, ये इसका बिल्कुल 7th स्टिच है, इसका सेंटर है, इसके बाद भी 6 डबल क्रोशे हैं, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे बनाया है, और दोनों साइड्स पर इसके 6-6 डबल क्रोशे हैं, टोटल यहाँ पे 13 डबल क्रोशे थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7th के ऊपर सिंगल क्रोशे आया है, और इस तरह इसके दोनों साइड्स पे 6-6 डबल क्रोशे हैं, ये बिल्कुल इसका सेंटर है।
तमाम राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है इसी पैटर्न पे, और अब हम एंड पर आ गए हैं। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। और अब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और इस तरह हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब हम तार को काट लेंगे और इसको बैक साइड पर ले जाके अच्छी तरह से सिक्योर कर देंगे। ये हमने शाइनिंग कलर का थ्रेड यूज़ किया है। इसका सबसे पहले हम एक चेन बना लेंगे, बल्कि लूप बना लेंगे। अब ये डिज़ाइन के ऊपर जो हाफ बैक है यहाँ पे हमने बुनाई करनी है। ये बिल्कुल हाफ बैक के नीचे से हम इसको चेन को निकाल लेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए चेन बनाते जाएंगे। ये हमने अपनी हाफ बैक चेन पर बनानी है, यानी आधी चेन पे में इसको बनाना है और ये इसकी बिल्कुल बैक साइड पर बनती जाएगी। इस तरह हर चेन में से इसको निकालते हुए चेन इसके ऊपर बनाते जाएंगे और ये स्लिप स्टिच अब यहाँ पे जहाँ सिंगल क्रोशे बना था इसके बिल्कुल बीच में हमने उसी तरह से गुजारते हुए चेन इस तरह बना लिया और साइड्स पे आके हमने हाफ बैक में बनानी है सिंगल क्रोशे के ऊपर उसी तरह का स्लिप स्टिच बनाना है ताकि इसकी प्रॉपर लीफ की शक्ल बनती जाए। देखिए इसके ऊपर हाफ बैक में हम बना रहे हैं चेन। और यहाँ पे आके आप सिंगल क्रोशे के बीच में से गुजरते हुए स्लिप स्टिच बना लेंगे। इसके बाद अगेन इसके हाफ चेन के ऊपर चेन बनाना है तमाम तारपोश के इर्द गिर्द इसी तरह से चेन बना लेंगे और ये खूबसूरत चेन इसकी तमाम साइड्स पर बन जाएगी। यहाँ पे आके इस तरह से हमने हाफ स्टिच में के ऊपर चेन बनाते जाना है। इस पैटर्न को रिपीट करके तमाम तारपोश के अंदर चेन बना लेंगे। ये हमने चेन बना ली है तमाम तारपोश के अंदर। हमने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए खूबसूरत चेन बना ली है। अब हम एंड पर आ गए हैं। इसी तरह से चेन बना लेंगे। एंड पे आके तार को काट लेंगे। और इसको हम बैक साइड पे ले जाके अच्छी तरह से बंद करेंगे। ये थ्रेड हमारा
शाइनिंग थ्रेड है और ये थोड़ा स्लिपरी है। इसको बंद करने के लिए हम सुई धागे को यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले दोनों तारों को बैक साइड पर हम नॉट लगा देंगे। तारों को हमने नॉट लगा दी। इसके बाद तार में सुई गुजार के हम इसको अच्छी तरह सिक्योर कर देंगे ताकि हमारी बुनाई सिक्योर हो जाए और ये ना खुले। तार को काट लेंगे बैक साइड से और ये हमारा खूबसूरत तालपोश तैयार हो चुका है। इसका सेंटर है और ये प्लीज ये देखिए हमारा खूबसूरत तालपोश, इसके फ्लावर पेटल्स आप देख सकते हैं, तो खूबसूरत और क्लियर बन चुके हैं। साइड्स पर हार्ट की शेप के फूल बनाए हैं हमने। ये हार्ट शेप फ्लावर देख सकते हैं आप, इनके अरेंजमेंट हमने आपको अच्छी तरह से एलेबोरेट करके बता दिया है और उसको फुली एक्सप्लेन कर दिया है। हमारे साथ एंड तक वीडियो को फॉलो कीजिए और आप इसलिए तरपोश घर पर बनाइए। इसमें आप अपने चॉइस के कलर्स का यूज़ कीजिए। इसे आप राउंड टेबल के लिए बना सकते हैं और इस तरह के छह तालपोश बना के आप अपने टेबल को टेबल मैट्स की शक्ल में डेकोरेट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय के मुताबिक बताएं कि हम आपके लिए अपनी वीडियोस को और कितना खूबसूरत बना सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।